स्वरा भास्कर अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। वो हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। एक्ट्रेस स्वरा भास्कर बीते काफ़ी समय से फिल्मों से दूर हैं और वो इन दिनों अपने राजनेता पति फहाद अहमद के चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। बीते दिन स्वरा ने अपने पति के साथ मौलाना सज्जाद नुमानी से मुलाकात की, जिसके बाद से वो एक बार फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मौलाना के साथ स्वरा भास्कर और फहाद अहमद की मुलाकात की फ़ोटो और वीडियो के सामने आने के बाद से फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में स्वरा भास्कर लाइट पिंक कलर का चिकनकारी सूट पहने दिख रही हैं। एक्ट्रेस ने मौलाना से मुलाकात के दौरान अपने सिर को चुन्नी से ढक रखा है और वो बिना मेकअप लुक में दिख रही हैं। आपको बता दें कि एक्ट्रेस स्वरा भास्कर अपने नए लुक की वजह से भी लगातार ट्रोलर्स का शिकार हो रही हैं। एक्ट्रेस के इस नए लुक को देखते हुए सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि अब वो पूरी तरह से बदल चुकी है। कई सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि एक्ट्रेस अब मुस्लिम बन गई हैं। नेटिजन्स एक्ट्रेस के लुक पर कमेंट करते हुए उनके मुस्लिम लुक की कड़ी निंदा कर रहे हैं। आपको बता दें कि मौलाना सज्जाद नुमानी का साथ स्वरा भास्कर के लिए मुसीबत की वजह बन गई है, क्योंकि मौलाना कई बार महिला विरोधी बयान दे चुके हैं। अब फैंस स्वरा भास्कर को इतना ज़्यादा क्यों ट्रोल कर रहे हैं, आइए समझते हैं। अक्सर महिलाओं की हक की बात करने वाली स्वरा भास्कर की महिला विरोधी बताए जाने वाली मौलाना से मुलाकात फैंस को कुछ खास पसंद नहीं आ रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मौलाना महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ रहे हैं। ऐसे में फेमिनिज्म की बात करने वाली स्वरा को इस मुलाकात के बाद काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है। इसके साथ एक्ट्रेस अपनी मुस्लिम लुक की वजह से भी लगातार ट्रोल हो रही हैं। बता दें कि फहाद अहमद से शादी के बाद से स्वरा भास्कर फिल्मों से पूरी तरह से दूर हैं। एक्ट्रेस अपनी शादी और बेटी का मुस्लिम नाम रखने की वजह से भी काफ़ी ट्रोल हुई थी। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री हैं। स्वरा अभिनय के अलावा फिल्म प्रोड्यूसिंग का भी काम करती हैं। उन्होंने फिल्म तनु वेड्स मनु में कंगना रनावत की सहेली पायल का किरदार निभाया था, जिससे उन्हें दर्शकों के बीच काफ़ी पहचान मिली। वो अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। आपको बता दें कि स्वरा भास्कर ने ज़्यादातर फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में काम किया है। जानकारी के लिए बता दें कि स्वरा का जन्म 9 अप्रैल 1988 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम चित्रपू उदय भास्कर है, जो कि भारतीय नौसेना में एक ऑफिसर हैं। उनकी माँ इरा भास्कर JNU में प्रोफेसर हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्वरा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सरदार पटेल विद्यालय से की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक किया। इसके अलावा उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में डिग्री हासिल की है। बहरहाल अपने नए लुक की वजह से स्वरा लगातार ट्रोल हो रही हैं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें punjabkesari.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें।